Hello and welcome to all the beautiful people out there. Now our uh, today's topic is the workers' participation in management. Workers' participation in what? Management. What is management? Management is the process of uh, managing, it's like process of planning, organizing, staffing, controlling, and all that stuff to attain the organizational objectives. That is what is management, no? तो मैनेजमेंट का सब चीज़ ये प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कर कौन रहा है कर तो सारे एम्प्लॉयज़ रहे हैं इम्प्लॉयिज़ का वहाँ पे काम हो रहा है कि सिर्फ आप उनको स्टाफ कर लो थर्ड प्रोसेस जो स्टाफिंग आया वहाँ पे आप स्टाफ कर लो और स्टाफ करने के बाद आप उसके साथ काम कराते रहो प्लानिंग तो आपने कर ली ऑर्गेनाइजिंग आपने कर ली स्टाफिंग जब आया तो आप प्लान वर्कर्स को ला रहे हैं और तब उसके बाद काम करा रहे हैं तो बेसिकली अभी का जो कॉन्सेप्ट है ये दिस इज़ अगेन यू बिफोर स्टार्टिड दस्ट बिफोर स्टार्टिंग इट यू शूड नो वाई इज इट इम्पॉर्टेंट इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड द प्रिटेस इज द प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस एर एंड द इकोमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री हमारा कंट्री डेवलप कर रहा है हमारे कंट्री में पहले जो वर्कर्स थे पुअर थे एक्सप्लोइटेड थे उन्हें दबाया जाता था उन्हें हद तक काफ़ी हद तक एक्सप्लॉय किया जाता था एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉयज़ जो वर्कर्स थे उनका जो मैनेजमेंट में बहुत से नहीं था उन्हें जितना बोला जाता था बस वो वही काम करते थे और वह मैनेजमेंट को लगता था कि वर्कर्स जो है बेसिकली काम करने के लिए पैसे तो काम करेंगे इस पैसे उन्हें मोटिवेट करते हैं उनका कोई से नहीं था लेकिन अभी द एंटायर कंसेप्ट हैज़ चेंज द कॉन्सेप्ट हैज़ मूव फ्रॉम जस्ट पर्सनल मैनेजमेंट टू एच आर एम जहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स को एक वैल्यूबल एसेट की तरह ट्रीट किया जाता है जहाँ ये समझा जाता है कि अगर उनके वो अगर मैक्सिमम अपना काम करें उनकी मोरियल हाई रहे उनका मोटिवेशन काफ़ी हाई रहे दैन दे केन कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू दोफिटेबिलिटी ऑफ द एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द इकोमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एज अ होल तो क्या है कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है इसमें क्या होता है अकॉर्डिंग टू केविथ डेविस ही सेड वर्कर्स पार्टिसिपेशन जब होता है उनका वर्कर्स पार्टिसिपेशन वर्कर्स जो है मेंटल और इमोशनल लेवल दोनों लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में एक उसमें एक जब रिस्पॉन्सिबल भूमिका निभाते हैं तो हम उसे वर्कर्स पार्टिसिपेशन बोलते हैं मेहता से दैट इन द अप्लाई टू द इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन का मतलब होता है जब आप किसी भी पर्सन को जो भी एम्प्लॉय है उसे आप डिसीजन मेकिंग में हेल्प करने के लिए डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बना रहे हैं आप डिसीजन मेकिंग का जब आप उसका हिस्सा बना रहे हैं तो कैसे हिस्सा बना रहे हैं क्या वो एम्प्लॉय जिस रैंक पर है उसी रैंक पर आप उनको एम्प्लॉय मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बना रहे हैं या फिर उस एम्प्लॉय को पर्टिकुलर एम्प्लॉय आपको एम्प्लॉय इंपॉर्टेंट लग रहा है या ज़्यादा आपको टैलेंटेड लग रहा है तो आप उसका प्रमोशन करके आप उसको बुला के आप फिर मैनेजमेंट का हिस्सा बना रहे हैं तो अ क्लियर एंड मोर कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन इज गिवन बाई आई एल ओ विच इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन तो इंटरनेशनल लेबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलता क्या है वर्कर्स पार्टिसिपेशन जो है ना हर एक कंट्री में हर एक का अपना अपना ऑब्जेक्टिव होता है वी इंडिया हैज वी इंडिया हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव वेन इट कम्स टू दर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट लेकिन हर एक का जो है वो अलग अलग होता है और बेसिकली क्या होता है इट कवर्स ऑल द टर्म्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ वर्कर्स और उनके रिप्रजेंटेटिव जो हेल्प करें डिसीजन मेकिंग लेने में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने में कंसल्टेसन करने में निगोसिएशन करने में इंस्टीट्यूशनल फॉर्म्स हो प्रजेंस ऑफ मेम्बर्स हो मैनेजमेंट एंड सुपरवाइजिंग बोर्ड्स हो या इवन मैनेजमेंट ऑफ़ द वर्कर्स दमसेल्स जैसे यूगोस्लाविया युगो, में होता है जैसे हम लोग वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट अगर यूगोस्लाविया में देखते हैं तो यूगोस्लाविया में क्या है कि जो वर्कर्स डब्ल्यू पी एम है इट इज़ गवर्न बाय द लॉ ऑफ वर्कर्स मैनेजमेंट ऑफ स्टेट इकोनॉमिक एंटरप्राइज एंड हायर इकोनॉमिक एसोसिएशन यहाँ पे एक थ्री टायर पार्टिसिपेशन है जहाँ कलेक्टिव बारगेनिंग वर्कस काउंसिल और होर्ड ऑफ मैनेजमेंट तीनों मिलकर वर्कर्स पार्टिसिपेशन को देखते हैं द बेसिक डिफरेंस इज़ बेसिकली कैसे वो लोग दोनों काम कर रहे हैं कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं ग्रीन ब्रिटेन और स्वीडन में क्या होता है जो वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन फॉर्म ऑफ जॉइंट कंसल्टे यहाँ पे देर आर जॉइंट कंसल्टेटिव कमिटीज़ वर्क कमिटीज़ इन फ्रांस में वर्क कमिटीज़ होते हैं वेस्ट जर्मनी में कोऑर्डिनेशन कमिटीज़ होते हैं बेल्जियम में जॉइंट वर्क काउंसिल होते हैं युगोसलाविया में वर्कर्स काउंसिल एंड मैनेजमेंट बोर्ड होते हैं और यू में यूनियन मैनेजमेंट कोऑपरेशन करके वर्कर्स को जो पार्टिसपेशन मैनेजमेंट के लिए काम होता है इंडिया में क्या है इंडिया में जो हम लोग जो वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट इज़ अ वेरी इन थिंग वेरी वेरी इन थिंग अभी बहुत ज़रूरी है ताकि वो लोग सबको मिल के उनका मोराल हाई रहे मोटिवेशन ऑल दैट स्टफ और यहाँ पे हम उसे लेबर मैनेजमेंट कोऑपरेशन एंड वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट बोलते हैं जहाँ पे क्या होता है एजेंसीज लाइक वर्क कमिटी जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल शॉप काउंसिल यूनिट काउंसिल जॉइंट काउंसिल ये सारे मिलके काम करते हैं ताकि मैनेजमेंट जो है वर्कर्स को डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बना सके ना बी द डिफरेंसेस एज दीज में वर्क जो कम पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट है एक कम्युनिकेशन या कंसल्टेंसी का तरीका है जहाँ पे जो वर्कर्स जो काम कर रहे हैं उन्हें जो भी डिसीजन लिया जा रहा है कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन जो एग्जीक्यूटिवस ले रहे हैं या कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन जो मैनेजमेंट ले रहा है वो इम्प्लॉयज़ को तुरंत कन्वे किया जा रहा है या फिर कोई भी जो अगर इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग अगर हो रहा है तो वो इम्प्लॉयज़ को कोशिश कर रहे हैं मैक्सिम टाइम उस डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बना के रखें ना वॉट आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजमेंट पहला ये है कि ये देखिए क्या होता है कि अगर डिसीजन मेकिंग डिसीजन मेकिंग इज़ अ वेरी टफ टास्क कि छोटी सी गलती भी ना करोड़ों करोड़ों का कर नुकसान कर सकती है तो कोई गलत डिसीजन अगर लेता है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर हो जाती है तो जब मैनेजर्स डिसीजन लेते हैं तो एम्प्लॉयज़ आर लाइक चलो छोड़ो यार आर, आराम से हम अच्छा जब employees अपने आप को डिसीजन मेकिंग का हिस्सा समझते हैं तो दे फील मोर एम्पावर्ड एज इन उन्हें लगता है कि अब उनका ज़्यादा अहदा है वो ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ इट हम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह ऐड करना एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह ऐड करना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तो पार्टिसिपेशन uh, जो होता है वो डिसीजन मेकिंग में प्रोसेस में इम्प्लॉयज़ को रज्यूम करता है दूसरा ये पार्ट पार्टी जो इम्प्लॉयज़ है वो अपनी मर्जी से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करते हैं वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट इंडिविजुअल्स का नहीं होता कि एक एम्प्लॉय को लेकर आपने उसको मैनेजमेंट का हिस्सा बना आप ग्रुप ऑफ को को लेते लेते हैं हैं या उनके को लेते हैं। अब वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट एंड कलेक्टिव बार्गिनिंग दो अलग अलग चीज है कलेक्टिव बार्गिंग में क्या होता था दोनों में आपस में प्रॉब्लम होती थी तो दोनों आपस में सामने वर्कर्स और जो जो इंप्लॉयज और जो इंप्लॉयज के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो बैठ के आपस में एक कॉमन सोल्यूशन फ़ाइंड करने की कोशिश करते थे लेकिन जो वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट है ये क्या होता है कि आप एम्प्लॉइज़ को या वर्कर्स को मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग में हिस्सा बना रहे हैं जब आप हिस्सा बना रहे हैं तो आप उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं आप उनके साथ बहुत सारे इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं साथ में मिलके प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो लेटर जो है वो स्पेशली जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना इट इज़ बेसली ऑन पावर प्ले प्रेशर ट्रैक्टिस और निगोशिएशंस के साथ एंड द बेसिक रैशनल और द बेसिक मोटिव बिटवीन द वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट इज़ कि वर्कर्स अपना सारा मेहनत और किस्मत जो भी है इस वर्क में लगा दें वर्कर्स जो आए यहाँ पे काम करने के लिए आए तो यहाँ पे अपने फुल कमिटमेंट के साथ काम करें वो अपने आप को मैनेजमेंट का हिस्सा समझें और अगर वो अपने आप को मैनेजमेंट का हिस्सा समझेंगे तो वो अपने फुल पोटेंशियलिटी के साथ वहाँ काम करेंगे तो इससे क्या होगी इससे वो मोटिवेटेड रहेंगे और जो द काइंड ऑफ प्रोडक्टिविटी विल बी एनॉमस व्हाट आर द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ़ डब्ल्यू पी एम द ऑब्जेक्टिव ऑफ़ डब्ल्यू पी एम हमेशा कंट्री टू कंट्री एज आई सेड प्रिफर करता है हर एक कंट्री के सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिटिकल फिलासफीज अलग अलग होते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप और वर्किंग क्लास अलग अलग होते हैं क्योंकि हम लोग हर एक का एक हर एक कंट्री का एक अपना हिस्ट्री रहा है और हिस्ट्री में उस हिस्ट्री के हिसाब से वो लोग सब कुछ डेवलप करते आए हैं तो कॉन्सेप्ट मे बी द सेम बट द काइंड ऑफ इंप्लीमेंटेशन इज डिफरेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्कर्स पार्टिसिशन इज मैनेट इन सिम्पल द वर्कर्स को मैनेजमेंट पार्टिसिपेट कराना लेकिन क्यों पार्टिसिपेट करा रहे हैं तो हर एक कंट्री का एक अपना अपना ऑब्जेक्टिव होता है जैसे जर्मनी हमने पहले देखा है तो जर्मनी में क्या है कि जर्मनी में जो डिटर्मिन द वेरियस लेवल्स ऑफ एंटरप्राइज इन जर्मनी असाइन द फाइनल टू वर्कर्स ऑल ओवर द मैटर रिलेटिंग टू अंडरटेग एंड इन यू गोस लावे प्रमोट गुड कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट जापान में कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोडक्शन में बहुत अच्छे से काम करे चाइना में वर्कफोर्स को इन्फ्लुएंस कर सके हर एक जगह का अलग अलग है लेकिन जब हम इंडिया का बात करते हैं तो इंडिया में क्या है अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 ये वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट सेकेंड फाइव ईयर प्लान ऑफ इंडिया में आया जहाँ पे वो बोला गया कि वर्कर्स पार्टिसपेशन मैनेजमेंट आपको लाना ज़रूरी है ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रोटेक्टिविटी बढ़ सके इम्प्लॉयर इम्प्लज एंड कम्युनिटी एट लाज सब कोई समझ सके कि, कि किसी भी इंडस्ट्री का प्रॉस्पर करना कितना जरूरी है वो कमिटमेंट भर सके दैन द सेटिसफैक्शन द जॉब सेटिसफैक्शन या द क्रिएटिव सेटिसफैक्शन या द वर्कर्स अर्ज फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन वो भी अपने आप को बताना चाहते हैं अपने आप का दे थिंक दे माइट गिव अ बेटर आंसर और बेटर सोल्यूशन टू सम मैनेजमेंट सही तो वो उनको ये हक मिल सके कि वो अपने आप को कि दे आर दार्ट ऑफ देट मैनेजमेंट हो तो उनको ये हक मिल सके कि वो अपने आपको एक्सप्रेस कर सकें देन एम्प्लॉयज़ जो है वो अपना रोल को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सके इन अल्टीमेट सेंस बेसिकली करना क्या है डब्ल्यू पी एम का जो डब्ल्यू पी एम का जो ऑब्जेक्टिव यही है कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव मतलब मीट करना है ऑर्गेनाइजेशन का इफेक्टिव इफेक्टिवनेस बढ़ाना है उनका ऑब्जेक्टिव मीट करना है प्रोफिटेबिलिटी प्रोडक्टिविटी सब बढ़ाना है और इम्प्लॉइज़ को सेटिसफाई भी करना है तो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ़ डब्ल्यू पी एम इन इंडिया क्या है पहला इंडस्ट्रियल हारमोनी मेंटेन करना इंडस्ट्रियल हारमोनी किस में होगा ऑब्वियसली जब मैनेजमेंट और वर्कर्स होंगे तो मैनेजमेंट और वर्कर्स अगर साथ में मिलकर काम करें म्यूचुअल ट्रस्ट है दोनों में दोनों साथ में मिलकर काम करें तो इंडस्ट्रियल हारमोनी होगा सेकेंड एक प्रॉपर गुड कम्युनिकेशन सिस्टम बिल्ड करना है जहाँ एम्प्लॉयज़ और इम्प्लॉयज़ दोनों अपना मन की बात एक दूसरे को कह सकें दोनों अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है सामने रख सकें स क्योंकि उन्हें आप मैनेजमेंट uh, का हिस्सा बना रहे हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा बना रहे हैं तो द सेंस ऑफ कमिटमेंट ऑफ दर्कर्स इज टू मच आप जब किसी से काम करवा रहे हैं तो अगर आप उसे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा बना देते हैं तो वो काम और बेहतर तरीके से करना चाहता है तो क्रिएट्स एंड प्रमोट द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड इफ द इम्प्लॉयज़ आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस सो आर द इम्प्लॉयज तो जब चेंजेस होती है प्रॉब्लम कहाँ होएगा प्रॉब्लम हुआ कि चेंजेस आ रही हैं चेंजेस अडाप्ट करना है या कुछ ऐसा तो क्या होता है चेंजेस को पूरा और बेहतर हैंडल कर पाएंगे देन अगर देर बी दिल इंड्यूस देंस सम वर्कर्स टू तो कंट्रीब्यूट द बेस्ट बेस्ट काम करने की कोशिश करेंगे कमिटमेंट आएगी नाउ देर वेरियस लेवल्स ऑफ पार्टिसिपेशन एक तो आपने डिसाइड कर लिया कि एम्प्लॉयज़ को जो है उसको वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट लाना है मतलब उनको मैनेजमेंट का हिस्सा बनाना है उनका अपलिवमेंट करना है उनकी कमिटमेंट मोरल मो, 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 मोटिवेशन सेटिसफेक्शन सब बनाना है लेकिन आप पूरा अधिकार तो नहीं दे सकते तो क्या है हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अपनी अपनी पॉलिसी होती है एंड डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ पॉलिसी दैट द ऑर्गेनाइजेशन हैड हैज़ दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन द डिफरेंट टाइप ऑफ अथॉरिटी दे दर दे गि इम्प्लॉयज़ जैसा पहला है इंफॉर्मेटिव पार्टिसिपेशन इन्फॉर्मेटिव पार्टिसिपेशन में क्या होता है जितने भी वर्कर्स वहाँ काम करते हैं उन्हें यह हक़ होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द एम्प्लॉई है द ऑर्गेनाइजेशन है वो उन्हें मिल सके किसी तरह का जो भी काम हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में चाहे वो बैलेंस शीट हो प्रोडक्शन हो इकोनॉमिक कंडीशन प्लांट का कैसा हो जो भी हो ये वर्कर्स के पास अधिकार होता है कि वो उसको एक्सेस कर सके मतलब वो उसके बारे में देख सके उसके बारे में जान सके लेकिन उनके पास ये अधिकार नहीं हो सकता है होता है कि वो उसको यू नो क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन कर सके या उस पर कोई चप्पी कर सके क्लोज स्क्रूटनी ऑफ इंफॉर्मेशन नॉट अलाउड ठीक है फिर एक होता है कंसल्टेटिव पार्टिसिपेशन कंसल्टेटिव पार्टिसिपेशन में क्या होता है वर्कर्स को किसी भी पार्टिसिपेशन प्रोसेस का हिस्सा बनाया जाता है उनसे उनकी राय मांगी जाती है लेकिन उसका एक्सेप्ट करना या ना एक्सेप्ट करना ये मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है अगर वर्कर्स को इन उन लोगों को लगता है कि ये अच्छा है इम्प्लीमेंट किया दिट इज़ टोटली अप टू देयर विश एसोसिएटिव पार्टिसिपेशन क्या होता है कि ये एक एडवाइसरी कंसल्टेटिव टाइप का नहीं होता है इसमें इट इज़ एन इम्प्रूवमेंट ओवर देर इसमें क्या होता है कि जो एक मॉरल ऑब्लिकेशन हो जाता है इम्प्लॉइज़ का एम्प्लॉयर्स का कि जो भी इम्प्लॉय इम्प्लॉयज़ अपना जो भी दे रहे हैं सजेशंस uh, उसको एक्नॉलेज करें एक्सेप्ट करें और इम्प्लीमेंट करें ठीक है एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशन क्या हो जाता है इट इज़ यू नो इट इज़ अबव दैन अदर पार्टिसिपेशन जिसमें क्या होता है कि जो अपने लेवल पे वर्कर्स जो हैं कुछ वो लोग अपने उनको कुछ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी दी हुई है अपने अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से वो कुछ कुछ डिसीजनस ले लेते हैं उसे इम्प्लीमेंट कर देते हैं और डिसिसिव पार्टिसिपेशन क्या होता है जब कोई भी डिसीजन लेने से पहले मैनेजमेंट एज वेल एज द दे सिट टुगेदर दे कम टू अ कंक्लूजन एंड देन दे इंप्लीमेंट और ये अल्टीमेट लेवल ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट आता है सो वी हैव स्टार्टेड फाइव टाइप्स हियर इंफॉर्मेटिव पार्टिसिपेशन हुआ कि इंप्लॉय को अब कंपनी के बारे में सारा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं लेकिन उसे एनालाइज करने का यूज़ करने का हक ना दे रहे हैं कंसल्टेटिव पार्टिसिपेशन उसे कंसल्ट कर रहे हैं इंप्लीमेंट करना ना करना आपकी मर्जी एसोसिएटिव पार्टिसिपेशन में आप उसका उसका एक मॉरल एब्लिगेशन हो जा रहा है भैया कि हम ले रहे हैं तो हम उसको हम इंप्लीमेंट करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशन में क्या होता है इंप्लॉइज़ के पास कुछ हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दी रहती है और उस अपने हद में रह के अपने वो उसमें वो कुछ डिसिशंस लेके उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और डिसिस पार्टिसिपेशन जो होता है दिस इज़ द अल्टीमेट लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन इन वॉट हैपन्स दैट दी वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट दे सिट टूगैदर ऑन सम प्रॉब्लम कम टू अ कंक्लूजन फॉलो अ डिसीजन मेकिंग का टेबल या वट एवर द थिंग इज रिक्वायर्ड उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करते हैं दीज आर द वेरियस लेवल्स ऑफ पार्टिसिपेशन ना वॉट आर द एडवांटेजेस ऑफ वर्कर पार्टिसिपेशन एडवांटेजेस किन को होगी इंप्लॉज़ इम्प्लॉर्ज दोनों की इम्प्लॉयज़ को क्या होगा एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी होगा कि भैया मेरी बात सुनी जाती है एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होगा किस से उस इंडस्ट्री से कि आई एम समबडी देयर इट इज़ नॉट जस्ट दैट कम एंड गो एंड वर्क एंड देन गो बैक नो इट इज़ लाइक आई एम वांटेड आई एम आस्क्ड अभी व्हाट इज़ इट इट इज़ डीलिंग विथ योर ह्यूमन साइकोलॉजी राइट कि ह्यूमन साइकोलॉजी ही होता है ना वो नीड ऑफ ईगो ईगो आप लोग सब पढ़े हैं फिर द नीड ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी जो होता है अब बिलोंगिंगनेस जो जहाँ पे आता है वहाँ पे वो और काम करना चाहेंगे अगर वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होगी तो उनको मोटिवेशन होगा कि वो और अच्छा काम होगा मुराल हाई रहेगा अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा करता है तो ऑब्वियसली उनकी वेजेस और उनका इंसेंटिवस बढ़ेगा तो उनका स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग बढ़ेगा तो क्या है भी भी लाइक अरे हमारा तो वी हैव वर्क लाइक दिस एंड ऑल दैट स्टाफ तो सेंस ऑफ कमिटमेंट बढ़ती ही चली जाएगी ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा कि अब मोस्ट ऑफ द टाइम डिसीजन मेकर बेहतर हो जाता है इफ़ डिसीजन मेकिंग भी बेहतर होता है साथ ही साथ डिसीजन मेकिंग को जो भी डिसीजन उन्होंने लिया उसको इम्प्लीमेंट करना आसान हो जाता है क्योंकि तो डिसीजन्स ले लिया और अब इम्प्लॉयज़ पे थोप दिए तो दे मे और मे नॉट एक्सेप्ट दे मे टेंड टू रेजिस्ट अभी क्या है तो एम्प्लॉज़ को लगता है भैया तो मेरा ही चीज़ है तो वट दे डू इज दे एक्सेप्टड ठीक है ऐसे क्या होगा बेटर क्वालिटी परफॉर्मेंसेस होते हैं बेटर प्रॉफिट होते हैं अगर कोई चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी है तो बेटर एक्सेप्टेंस होता है बेटर मेटरलाइजेशन ऑफ क्रिएटिव आइडियाज़ एंड सजेशन बिकॉज दे आर फ्रॉम ऑल सेक्टर्स नो फ्रॉम एम्प्लॉयज एम्प्लॉय एवरीवेयर और इन सच ये वर्कर्स पार्टिसिपेशन अगर होता है तो एम्प्लॉयज़ और ऑर्गेनाइजेशन दोनों को अगर फायदा कर रहा है तो अल्टीमेटली इट लीड टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री This is all in the workers participation management i hope you understood the video if you like the video please do like comment and subscribe and do not forget to ring the bell icon for regular updates and uh, please do follow the government norms and of social distancing stay safe stay home and happy learning thank you